भक्ति शक्ति और ज्ञान अमृत से सिंचित करो विश्व जनों की आन, सुख स्वास्थ्य दीर्घायु का दो सबको वरदान। आपका वंदन करते हैं हम सब बारंबार, धनवंतरि भगवान के चरणों में कोटि प्रणाम, चरणों में कोटि प्रणाम, चरणों में कोटि प्रणाम। आयुर्वेद विश्वविद्यालय उत्तराखंड के कुलपति प्रोफेसर सत्येंद्र प्रकाश मिश्र, जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में अविस्मरणीय कार्य किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे बीच उपस्थित आयुर्वेद के छात्र छात्राओं का ज्ञान वर्धन करें। साधनम 2012 के इस उद्घाटन सत्र में उपस्थित श्रद्धेय योग गुरु माननीय स्वामी रामदेव जी महाराज, ये परम सौभाग्य है कि महर्षि पतंजलि की इस योग पीठ में आयुर्वेद की साधना के लिए पूरे देश से यहां साधक उपस्थित हैं। आयुर्वेद विश्व का एक प्राचीनतम चिकित्सा विज्ञान है, जो ऋषि महर्षियों की अपनी साधना के प्रयोगशाला से विकसित होकर के विश्व कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस धरा पर इसका उद्गम हुआ था। आज पूरे भारत में लगभग 250 से अधिक आयुर्वेदिक महाविद्यालय हैं, 50-60 के करीब स्नातकोत्तर संस्थान हैं, आयुर्वेद के विश्वविद्यालय हैं, लेकिन जो भारत की अपनी प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, जिसको भारत की ही चिकित्सा पद्धति में ही नहीं, विश्व की चिकित्सा पद्धति की मूल धारा में रहना चाहिए था, आज किन्हीं कारणों से अपनी ही इस पवित्र भूमि भारत में चिकित्सा की मूल धारा में नहीं है। दो सौ वर्षों में जो चिकित्सा पद्धति इस देश में आई, आज वो चिकित्सा की मूल धारा में है, लेकिन उसके दुष्परिणाम इस 200 वर्षों में जिस तरीके से लोगों के सामने आए हैं, उसने पूरे भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को, साथ ही चिकित्सा वैज्ञानिकों को भी विवश कर दिया है यह चिंतन करने के लिए कि विश्व का कल्याण कैसे हो सकता है। क्योंकि जो पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान का सिद्धांत है, वह यह मानता है कि जो भी व्याधियां होती हैं वो बैक्टीरिया और वायरस के माध्यम से होती हैं, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे अनुसंधान किए और नित्य प्रति उनको अनुसंधान करना पड़ता है, इसलिए कि आज के 40 साल पहले जो एंटीबायोटिक उपलब्ध थी उन बैक्टीरिया और वायरस पर प्रभाव डालने के लिए, उसके रेसिस्टेंट होने के कारण उसका प्रभाव समाप्त होता गया और नित्य नए नए एंटीबायोटिक ईजाद होते गए। मेरे साथ किसी कार्यक्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो डायरेक्टर भी हैं आजकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू के, उन्होंने एक बात कहा था वहां पे कि अब आने वाले अगले 10 वर्षों के बाद ये पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान
अब कोई एंटीबायोटिक देने की स्थिति में नहीं रहेगा। जब एंटीबायोटिक देने की स्थिति में नहीं रहेगा तो उनका चिकित्सा का सिद्धांत धराशायी हो जाएगा। इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ पूरे विश्व स्तर पर यह चिंतन हो रहा है कि व्याधियों की उत्पत्ति कैसे होती है, उनका समाधान कैसे हो सकता है। आज जाकर के विश्व जनमत इस बात पर अब आया है जिसे हम लोग हजारों साल से आयुर्वेद में पढ़ते पढ़ाते और जानते चले आए हैं कि आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुर से विकार प्रसन्नम च, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी हैं वो पश्चात का बाद है उनकी चिकित्सा करना। विश्व की कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति नहीं है, जो अन्य बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनका लक्ष्य जो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को रक्षा करना हो, ये भारतीय ऋषि महर्षियों की ही देन है जिन्होंने प्राथमिक लक्ष्य रखा अपना, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जा सकती है। और उसी दृष्टि से उन्होंने ऋतुचर्या दिनचर्या स्वस्थ वृत्त आचार रसायन योग में यम नियम ये सारे विज्ञान के रूप में लोगों को दिया। लेकिन इन विषयों पर हमको अपना जो ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, पथ्य अपथ्य ऋतुओं के अनुसार क्या सेवन करना चाहिए क्या नहीं सेवन करना चाहिए, ये सारे जो विषय थे लगभग आयुर्वेद के शिक्षण प्रशिक्षण में भी और चिकित्सकों के, मुझे ऐसा लगता है कि काफी इसको दबा दिया गया। लेकिन आज पाश्चात्य जनमत कह रहा है कि जितनी भी व्याधियां हो रही हैं वो लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर की वजह से हो रही हैं। तो हम लाइफस्टाइल को कैसे ठीक कर सकते हैं, सबसे पहले इस पर काम करने की आवश्यकता है और पाश्चात्य वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। हम लोगों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए कि जो हमारे ऋषि महर्षियों ने ज्ञान दिया है उसको कैसे व्यवहारिक और प्रभावी बनाया जा सकता है। और इस दिशा में जो ये शिविर के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है हमको लगता है ये एक ठोस पहल है। आयुर्वेद में अनुसंधान लगभग 60 वर्षों से हो रहा है स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के माध्यम से, लेकिन अनुसंधान की जो दिशा है निश्चित रूप से आयुर्वेद के विद्वानों को उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि आयुर्वेद के अनुसंधान की दिशा क्या है और अनुसंधान के माध्यम से हम आयुर्वेद को कितना और प्रभावी बना पा रहे हैं, कितना आयुर्वेद को और सशक्त बना पा रहे हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे ही नहीं बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको ऐसा लगता है कि आयुर्वेद की जो अनुसंधान की दिशा है वो पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान का सहारा लेकर के चल रही है, वो भटकाव की स्थिति में। आयुर्वेद के अनुसंधान की दिशा बदलनी चाहिए, उसको आयुर्वेद के ओरिएंटेड करना चाहिए। आयुर्वेद के जो बहुत सारे विषय हैं, आयुर्वेद की जो रोग निदान की पद्धति है, आयुर्वेद के जो रोगी परीक्षण की पद्धति है, उन सब विषयों के माध्यम से उसके अनुसंधान की दिशा निर्धारित करनी चाहिए। साथ ही साथ वैज्ञानिकों की भी जो मापदंड है उनको भी अपनाना चाहिए। इस दिशा में वैज्ञानिकों ने पहल किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोफेसर पी चिदंबरम जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे, उन्होंने भी इस बात को कहा और बेंगलोर के इंडियन साइंस एकेडमी के एक प्रोफेसर वेलियथन, उन लोगों ने भी डीएसटी से एक प्रोजेक्ट लिया कि पूरे देश में अगर आयुर्वेद पे कुछ काम हो रहा है तो ड्रग रिसर्च के नाम पर काम हो रहा है, क्लिनिकल रिसर्च के नाम पर काम हो रहा है,
लेकिन आयुर्वेद का जो फंडामेंटल है, जो हमारे स्वास्थ्य की परिभाषा में आता है, सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। ये समदोषा क्या है, इसको कैसे जानेंगे, कैसे व्यवहारिक स्वरूप बनेगा इसका, समाग्नि का व्यवहारिक स्वरूप कैसे आएगा? केवल सिद्धांत के रूप में जो है इसकी बातों को कह देना, इसकी वजह से ही आयुर्वेद का व्यवहारिक स्वरूप नहीं निखर पा रहा है। तो आज आवश्यकता है कि दोष धातु मल का जो विज्ञान है, जो पंच महाभूत का सिद्धांत है, जो रोग निदान का सिद्धांत है, इन सारे विषयों पर फंडामेंटल जो सब्जेक्ट्स हैं, इस पर वैज्ञानिक दृष्टि डालने की आवश्यकता है, वैज्ञानिकों के माध्यम से अनुसंधान करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने एक प्रोजेक्ट इस तरीके का लिया है। हम समझते हैं कि देश के जितने भी आयुर्वेद विश्वविद्यालय हैं, उसमें उत्तराखंड यह पहला विश्वविद्यालय होगा जिसने केवल वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से एक फैकल्टी ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज की कल्पना किया है, प्रयास कर रहा है कि उसको साकार किया जाए। आयुर्वेद को भारत के चिकित्सा पद्धति के मुख्य धारा में कैसे ले आया जा सकता है, निश्चित रूप से आयुर्वेद के विषयों पर चिंतन मनन करते हुए इसको व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है। स्वामी रामदेव जी महाराज ने भी निश्चित रूप से आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, आयुर्वेद के प्रति लोगों की अभिरुचि पैदा किया है, गुणवत्ता युक्त औषधि निर्माण करने की दिशा में पहल किया है। आज इस मंच से मुझे अवसर मिला है, मैं स्वामी रामदेव जी का इस आयुर्वेद के पुनीत कार्य के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारत की प्राचीनतम विद्या योग और आयुर्वेद के पुनरुत्थान के लिए, पुनर्जागरण के लिए जो विश्वव्यापी अभियान प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। आयुर्वेद के बहुत सारे चिकित्सक देश भर में जो उनके औषधालय चल रहे हैं, उसमें विशुद्ध रूप से केवल आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं। एक शिकायत सुनने में बार बार मंचों से आती है, विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र के लोग, प्रशासनिक क्षेत्र के लोग ये शिकायत करते हैं कि आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं वो आयुर्वेदिक औषधियां नहीं लिखते, वो पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान की जो औषधि एलोपैथिक चिकित्सा है वो लिखते हैं। ये बार बार राजनीतिक मंचों से बात सुनने में आती है, लेकिन रामदेव जी के यहां जितने चिकित्सक काम कर रहे हैं, कम से कम वो तो पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान की औषधियां नहीं लिखते हैं, वो तो केवल आयुर्वेद की औषधियां लिखते हैं। दूसरा, दक्षिण भारत में जहां से ये एकेडमी के लोग यहां पे आए हुए हैं, वहां से एक नव प्रभात दिखाई दे रहा है, एक नई आशा दिखाई दे रही है, आयुर्वेद के प्रति उनका समर्पण। आयुर्वेद के प्रति ही नहीं, भारत की जो अपनी संस्कृति है, विशेष रूप से जो दक्षिण भारत की अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति के संरक्षण में जो उनका समर्पण दिखाई दे रहा है, उत्तर भारत में उसका मुझे अभाव दिखाई देता है। जो अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, उसी संस्कृति का एक अंग है आयुर्वेद, संस्कृत, संस्कृति, यह सब उसी का अंग है, तो निश्चित रूप से उसके प्रति भी प्रतिबद्ध होगा। गुद रोग की चिकित्सा में, एनोरेक्टल की चिकित्सा में जो एक आयुर्वेद की पहल हुई है, वो कोई नई नहीं है, लेकिन उसको वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर पीजे देशपांडे के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी जो टीम में और लोग थे, उन लोगों के नेतृत्व में जो एक पहल हुई, वो कोई नई चीज नहीं थी, वो अपने ऋषि महर्षियों की प्रणीत विद्या है, उन्होंने उस दिशा में काम किया था, उसको एक नई दिशा देने का काम, उसको वैज्ञानिक दिशा देने का काम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की उस टीम ने किया। आज पूरे विश्व में एनोरेक्टल की चिकित्सा में जो पाश्चात्य पद्धति थी सर्जरी की,
आज उसकी जगह पर उसकी स्वीकारिता बनी है। पाश्चात्य चिकित्सा वैज्ञानिक भी उस पद्धति को अपने उनको दिया जा रहा है। दूसरा पंचकर्म, मैं तो आभार व्यक्त करता हूं दक्षिण भारत के केरल के लोगों का, उन्होंने केरली नाम देकर भी किया, लेकिन पंचकर्म का जो उन्होंने एक दिशा निर्धारित किया, जो एक विकास किया, आज पूरे विश्व में उसकी स्वीकार्यता बन रही है। WHO भी उसको स्वीकार करने की स्थिति में है। तीसरी बात, पूरे विश्व में एजिंग के ऊपर जो है ये वार्धक्य का जो समस्या है, इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से चर्चा हो रही है। एजिंग के लिए बहुत सारे रिसर्च सेंटर चल रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं, आप नेट खोल करके देखिए, एजिंग पर बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट चल ने केवल एजिंग के लिए ही नहीं दिया, उन्होंने जरा और व्याधि दोनों के लिए जो विद्या दिया, जरा व्याधि विनाशनम रसायनम, उसको हम लोग भूले हुए, उसको हम लोग व्यवहार में नहीं ले आए। अगर व्यवहार में ले आए तो निश्चित रूप से पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान जो आज एजिंग को लेकर के भटकाव की स्थिति में खड़ा है, उसको हम आयुर्वेद के विद्यार्थी लोग एक दिशा देने का काम कर सकते हैं। आयुर्वेद एकेडमी की इस पहल को, जिसमें भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद भी एक सहयोगी है और पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज एवं चिकित्सालय भी एक सहयोगी है, इन तीनों संस्थाओं के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करते हुए, आप सभी प्रतिभागियों के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करते हुए, अपनी तरफ से मैं बधाई देते हुए आप सभी का एक बार इस उत्तराखंड में स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय आयुर्वेद, जय भारत। प्रोफेसर मिश्र का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर योगेश मिश्र जी से कि वो संक्षिप्त में हमारा ज्ञान वर्धन करें। आयुर्वेद के भव्य और दिव्य कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पूज्य श्री स्वामी जी, CCIM के युवा और इनोवेटिव अध्यक्ष, जिन्होंने स्वयं कुछ निर्णय लेकर उत्तर और दक्षिण, आयुर्वेद और स्वास्थ्य, इन सबको यहाँ पर एक सूत्र के नीचे, एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया है, ऐसे डॉक्टर त्यागी जी, अकादमी के सभी सेवाभावी एवं तपस्वी कहना चाहिए, ऐसे जी सौम्या जी, डॉक्टर जयप्रकाश जी, डॉक्टर सावित्री जी, देश के सुदूर स्थानों से CCIM के माध्यम से इसको अडेप्ट किया जाए, उसमें एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर विनीता जी, स्थानीय जो आयुर्वेद के गढ़ रहे हैं ऐसे गुरुकुल के वर्तमान और निवर्तमान दोनों प्राचार्य महोदय, सभा कक्ष में उपस्थित सभी श्रेष्ठ विद्वज्जन, और आगे जिनको आयुर्वेद में काम करने की ललक है, जिनके जीवन में ऐसे प्रिय विद्यार्थियों, आज की मुख्य समस्या यह है कि विश्व को हम कुछ दे सकते कि नहीं दे सकते। देश पूरी दुनिया बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन होने के बाद में एक स्थिति में आ गई है कि आप दूर नहीं रह सकते, तो या तो आप इस क्षमता में होंगे कि कुछ दे सकते हैं तो आदमी आपके आगे हाथ फैलाएगा कि ठीक है दीजिए, और इस क्षमता में नहीं होंगे तो आपको नतमस्तक होकर के जो भी दिया जा रहा है
चाहे वो WHO के माध्यम से दिया जाए, चाहे WTO के माध्यम से दिया जाए, आपको स्वाभिमान शून्य होकर के उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये दोनों में से एक स्थिति को स्वीकार करना। और जब हम आयुर्वेद के बारे में चिंता चर्चा करते हैं तो मैं आपको संक्षेप में कुछ बिंदु रखना चाहूंगा। हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद का योग से बड़ा संबंध है और योग की एक पुस्तक है, उसका नाम है हठ योग प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपिका में एक श्लोक है, श्लोक है गो मांसम भक्षये नित्यम पिवेत चा मर वारुणी कुलीनम तम हम मन्ने इतरे तु कुलघातका। हम लोग जानते हैं गोमांस का मतलब क्या होता है, शराब, लाइकर। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ किया जाएगा वो निश्चित रूप से ये निकलेगा कि ही ओनली हु ईट्स बीफ एंड ड्रिंक्स लेकर इज ए जेंटलमैन। गोमांसम भक्षये नित्यम पिवेत चामर वारुणी कुलीनम तम हम मन्ने, ओनली ही जेंटलमैन एंड ऑल द पर्सन्स हु इज नॉट ईटिंग बीफ एंड नॉट टेकिंग लिकर्स आर कुल घातक, दे आर डिस्ट्रक्शन, दे आर प्रिवेंट गिविंग द डिस्ट्रक्शन टू द सोसाइटी एंड फैमिली। ये हठयोग प्रदीपिका का संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक है। और इसको अगर कोई कोट करता है कोई तो कहता है कि देखिए आपके ग्रंथ की किताब है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें अब क्या प्रॉब्लम आपको। तो वास्तव में देखना पड़ेगा कि इसका अर्थ ये है क्या। उसी हठयोग प्रदीपिका में उसके आगे के जो दो श्लोक हैं, दो वर्सेस हैं, उसमें यह बताया गया है कि व्हाट इज गोमांस एंड व्हाट इज अमर वारुणी। वहां उन्होंने कहा गो शब्देन उदिता जिह्वा, गो शब्द का अर्थ है ये हमारी जिह्वा, तत् प्रदेशो प्रवेशो ही तालुनी, और जिह्वा को तालु में लगाना माने खेचरी मुद्रा एक है उसका यह वर्णन है। गोमांसम भक्षणम तत्तु, ये गोमांस का भक्षण है, गोमांस माने जिह्वा टंग, और उसका पैलेट पे लगाना विशेष प्रकार से ये गोमांस भक्षण है। महापातक नाशनम, ये जो प्रोसीजर है इसको, प्रोसीजर को करने का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति निश्चित रूप से उसके पापों का क्षय हो रहा है। तो गोमांस का अर्थ अगर बीफ तो उसका अर्थ का अनर्थ होगा, गोमांस का अर्थ ये लगाएंगे तब उसका अर्थ होगा। ऐसे ही दूसरे बाद जो श्लोक है उसमें अमर वारुणी का परिभाषा दी, जिह्वा प्रवेश संभूता, जिह्वा को टंग को पैलेट में लगाने के कारण वन्निनोत्पादिता खलु, वहां पर जो विशेष प्रकार का एक ताप उत्पन्न होता है उसके कारण से वहां पर एक श्राव उत्पन्न होता है। चंद्रात स्रवति यत सारः, उस चंद्र के निकलने वाला वो जो सार है वो अमर वारुणी है, तत्स्यात् अमर वारुणी। वास्तव में जो डिकोडिंग ऑफ द वर्ल्ड्स है हुआ क्या इसके पहले, अब इसको जब देखने प्रारंभ किया मैंने तो आखिर देखा गया कि भाई आखिर गो शब्द का मतलब ये जो जिह्वा लगाया तो ये गो शब्द और कहीं मिलेगा क्या। तो शब्दों के लिए जो इसको ऐसे अपने देश में कक्षा 6, 7, 8 में ग्रंथ के कुछ अंश पढ़ाए जाते थे उसका नाम है अमरकोश। अमरकोश में जब देखा गया तो गो शब्द के 10 अर्थ निकले। गो शब्द में वहां उन्होंने कहा स्वर्गेशु शु बाघ वज्र, गो माने स्वर्ग, इसलिए किसी का जब देहांत हो जाता है तो कहते उल्ट है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गो। बाघ, बाघ मीन्स वाणी, जो मैं बोल रहा हूं इसके लिए भी गो शब्द का प्रयोग होता है।
दिग दिग मीन्स दिशाएं डायरेक्शंस पूर्व पश्चिम दिग दिग मीन्स दिशाएं डायरेक्शंस पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नॉर्थ ईस्ट ये सब दे आर कॉल्ड दिग। नेत्र हमारे जो आंख है आईज हैं उनके लिए गो शब्द का प्रयोग है। घृण मीन्स सन सूर्य उसके लिए और गो शब्द का प्रयोग है। भू पृथ्वी इसके लिए गो शब्द का प्रयोग है। और जल स्वर्गेशु पशु बाग वज्र दिंग मेत्र घृणी भू जले ये अमर कोश के तीसरे कांड का तीसरे खंड का 25वां श्लोक है। तो जैसे ये एक शब्द मैंने प्रयोग किया गोमांस और अमर वारुणी उसका हठयोग प्रदीपिका में उत्तर भी दिया गया है। ये वास्तव में जहां से बात निकली बात का मैं काले की दी हुई शिक्षा पद्धति है। मैं काले के आगे पीछे एक और व्यक्ति इस देश में आए जिनका बड़ा आदर के साथ नाम हम लोग लेते हैं वो थे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का जब नामकरण आया तो लोगों का नहीं नहीं वो तो भाई विद्वान था वेद का विद्वान है इसलिए उसको मैक्स मूलर कहना ठीक नहीं है उसको मोक्ष मूलर कहिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन उन्होंने वेदों का जब अनुवाद किया तो उनकी अपनी दिशा क्या थी ये बात एक विचार करने की है। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द मैक्लुहान एजुकेशनल सिस्टम इन 1855 यंग ऑफ 28 ईयर्स टीबी मैक्स मूलर स्टार्टेड द ट्रांसलेशन ऑफ वेदास इन इंग्लिश लैंग्वेज। नो डाउट ही वाज वर्किंग हार्ड इन दैट वर्क व्हाट द हिडन एजेंडा वाज क्लियर्ड ऑन 9th December 1866 when he wrote a letter that India must be conquered again and the second conquest should be the conquest by education। उसने लिखा कि हम आज जब तक शिक्षा में इनको बर्बाद नहीं करेंगे जब तक इनकी श्रद्धा विश्वास बना रहेगा। हम लोगों ने जो तुलसीदास एक हुए हैं उन्होंने रामचरितमानस लिखा है उनके जो प्रारंभिक श्लोक है मंगलाचरण उसमें उन्होंने लिखा भवानी शंकरो वंदे। हमको अगर कहीं आगे बढ़ना है तो अपने इष्ट देवों में भवानी और शंकर दो को शामिल करना पड़ेगा। और भवानी शंकर क्या है ये भी उन्होंने तत्काल उसी श्लोक के आधे हिस्से में कह दिया भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। हमारी जो श्रद्धा है हमारा जो विश्वास है यही काहे में श्रद्धा चाहिए अपने आप में शिक्षा चाहिए। ऐसे वो श्रद्धा और विश्वास को तोड़ने का जो काम किया गया वो श्रद्धा और विश्वास को जगाने का काम ये अकादमी आयुर्वेद कर रही है। विश्व आयुर्वेद परिषद जिसका मेरे साथ नाम के साथ जोड़ा गया वो भी इसी प्रकार के प्रयासों का काम कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थियों में कमी नहीं है आयुर्वेद में कमी नहीं है वास्तव में जो श्रद्धा और विश्वास वो जिसको हटाने का बड़ी योजना पूर्वक काम किया गया उस फिर से उसको लाने का काम ये जिन जिन माध्यमों से हो रहा है वो देश को आयुर्वेद को पुनर्जागृत करने की योजना है उसमें जो जो लोग लगे हैं उन सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को इसलिए समाप्त करूंगा। और ये मैंने विषय इसलिए रखा कि जो विषय बहन सावित्री जी ने रखा था उसको कुछ उदाहरण दे करके मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखा है। जो भाषा है उसका हमारा विरोध नहीं है लेकिन भाषा में सूर्य के लिए एक शब्द है सन। लेकिन जब हम लोग जो सूर्य नमस्कार करते हैं तो कहते हैं भास्कराय नमः ओम मार्कंडाय नमः ओम सवित्रे नमः तो सूर्य के जो दसों नाम हैं उनका हर नाम का एक एक विशेष अर्थ है और वो सब मिलाकर के सूर्य के उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात हम जानते हैं विदेशी भाषा के लोग नहीं जानते। हम जानते थे हमको भुला देने का आग्रह किया गया वो फिर से एक बार जग हो जाएगा उस दिन से काम प्रारंभ हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये साधनम के माध्यम से नए विद्यार्थियों में इस ललक को जगाने का काम हुआ है इसके लिए उन सबको धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी बात को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण अध्यक्ष आयुर्वेद एकेडमी।
वह साधनम 2012 के विषय में एक संक्षिप्त सार रूप में हम सबको ज्ञानवर्धन दें। In 2008, the first Sadhanam program was conducted at Sri Sri Ravi Shankar Guruji's Ayurveda Medical College. There was a 10-day residential course. From what initiated this Sadhanam? From 1995, myself, Ved Prakash Tyagiji, and all of us have been in the Central Council of Indian Medicine, and we always used to discuss. Having visited the various colleges in the country, there is not much of confidence in the Ayurveda practitioners, Ayurveda students. They all feel that they are always inferior. Why is this complex, the inferiority complex? Though we started introspecting ourselves with an interaction with the student, then we understood that there is not much of confidence in practicing Ayurveda. It is because that confidence has not been created by the teachers who have been teaching them. So what is the solution? And whenever we have such problem, we discuss the issues with our, we wanted Somyaji ji to be the president, he refused. Somehow he accepted to be the vice president, but he is the entire soul of the Ayurveda Academy and he is the entire soul of this Sadhanam program. And when we interacted with him, Somyaji said, okay, there is a way. In a very short period, we have to put the people on the track. So he said, we will try to design a course of just 10 days. And in these 10 days, first of all, they have to live the way that has been said in Ayurveda. Brahmi Muhurte Uttishti, they have to wake up in the morning. Abhyangam Acharayan Nityam, they have to perform the Abhyanga every day. They have to do the Vyayama exercise. Abhyangam Acharayan Nityam, they have to perform the Abhyanga every day. They have to do the Vyayama exercises. Then they have to start studying. Then they have to start understanding. Then they have to implement it. So these things only we have to tell them. So but this needs a number of years to do that. But what he said was, we will design a very short program of 10 days wherein we will start the living, the way that one should live, the Ayurveda Vaidya should live for himself. So that is what exactly we have started. That is how Sadhanam program started. And I am extremely happy to say that so far we used to do a very depends whoever that came. In the Sadhanam program, I am extremely happy and proud to say that all of them have been practicing only in Ayurveda. Whenever they have a question, the academy has produced number of volunteers who have been educated in this way. So whenever there is a question by a participant, they can approach the volunteer. They will get the same kind of answer, same kind of reply with a reference. In case there is a problem, for example, in various programs in this Sadhanam, you will see Kalpana Vidhi. For example, some preparation is done. There may be two preparations, for example, Kasa. There could be any one of them. No, you have to select it according to the need of the patient, need of the prakriti of the patient. That is what exactly is taught in Ayurveda Academy in this Sadhanam program. How to select a drug? So that with what reference? Then you are confident. It is not that you just you say if somebody asks you how did you prescribe this, then you have a reference. So this is how the confidence is created in the students and in the practitioners of Ayurveda. We have seen
people who have just studied for 4 years or 4.5 years of dentistry, they claim that they are surgeons. But our people, having studied for 5.5 years, addition of 3 years of post-graduation, still they feel they are inferior to the conventional practitioners. And to eliminate that, Siddh Sadhanam program has been designed. And we are happy it has been already implemented, and we see that the results have been proved. This time, Tyagiji has been observing all these programs and the responses that we have got from the participants. Tyagiji said, no, you cannot do this only at the state level. It has to reach the national level, then the international level. And so Tyagiji said, you organize for at least 250 participants this time. I will host the program. In fact, till recently, we did not know where the program would be conducted. Then we asked Tyagiji, sir, who will be the host we need to announce? He said, you write my name. Tyagiji will host it. And accordingly, we did. And today, the result of Tyagiji's assurance is the Sadhanam 2012. We really appreciate your concern for Ayurveda, sir. And Tyagiji also has been now saying, he has a number of prayers. Well, just 2 minutes I would like to speak about him. He is a man of action. He decides something and it has to be done. And he has been doing that. From 1995, I have been with him as a good friend. And I must say, it is not out of place to say that he has been my guide and a philosopher in various personal levels also. And he has been a great man of action. So with this few words, I would like to give you my keynote address. This is in Sanskrit. I shall give you also the translation for a few minutes after this. लोके पुरुषस्य याः काश्चित् प्रवृत्तयः ताः सर्वाः सर्वदा विषय प्रयोजनापेक्षिण्यः अविषयकम् अप्रयोजनकं प्रति न को कान प्रवृत्तिः प्रवृत्तिर्नाम उद्देशः विषय निर्वचनम् इति यावत् न हि कश्चित् क्षणमपि जातो निष्ठत्य कर्मकृत् तथा प्रयोजनम् उद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति च वचनात् पुरुषः सर्वदा यत्किञ्चित् कर्मणि प्रवृत्त्येव अथापि ते सर्वे प्रवृत्तिशब्देन नोच्यन्ते फलं प्रयोजनमुद्दिश्य या प्रवृत्तिः सैव प्रवृत्ति अथ चेत् किं तत्साधनं प्रयोजनं च साधनं नाम करणं येन कर्ता साध्यं कार्यं साधयति अत्र कर्ता वैद्यः साधनं चिकित्सा साध्यं प्रयोजनं धातुसाम्यं साध्यं प्रयोजनं धातुसाम्यं सतोऽपि कर्ता साधनं विना साध्यं न लभते तथा वैद्यः साधनं न केवलं साध्ये हेतुः अपि तु कौशलं तत् कर्तारमपि उन्नयति अत एवोक्तं यथा खरश्चन्दनभारवाही भारस्य वेत्या न तु चन्दनस्य एवं हि शास्त्राणि बहून्यदीत्य चार्तेषु मूढाः करवद्वहन्ति तथा च यस्तु केवलशास्त्रज्ञः कर्मस्वपरिनिष्ठितः स मुष्यत्यातुरं प्राप्य भीरुरिवाहवम् अतः कर्तुः क्रियावैशद्यार्थसाधनप्रवृत्तिः इति प्रयोजनकथनं कस्म इदं कः अधिकारी यथा कर्ता साधनं विना कार्यं न लभते तथा कर्तारं विना साधनम् अफलं कर्तारं विना साधनं न शोभते तथा च काचः काञ्चनमाश्रित्य दत्ते मारकतीं द्युतिम् इति अतः अधिकारी विवेचनम्
ये प्रयोजनम इच्छन्ति ते सर्वे अधिकारिणः इति आपाततः स्यात् किन्तु नैतत् साधु यतः पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः. I would just like to give briefly the translation, if with the permission of the Swamiji. All the endeavors, whoever so that is in the universe, inevitably have to do some kind of work. What is that pravritti or the effort that keep people doing it? It should be some meaningful. So now the effort that is being put by the Ayurveda Academy is this sadhanam. And which is the right effort? What is the purpose of this right effort? It is a worthwhile saying, nahi kaschit kshanam api jatu tishtati karav. There is not a single moment where somebody is not doing a function. Everybody has to do function always. But what is the purpose? That is rather important. Prayojanam uddishya namandopi pravartate. Even an idiot, a person who does not have any sense, does not put an effort unless there is a benefit to it. So that is the most important. Thus, we the humans are ever involved in the work or the effort of different kinds. Yet not all of them are considered as pravritti or the proper effort. So that alone is the right effort or the proper effort, which is completely aligned with the purpose. The effort here is called sadhanam, and it has a purpose. What is this sadhanam? What is its purpose, the prayojanam? Sadhanam literally means the tool. That is the tool through which the karta, that is the doer, achieves the purpose. So this is the sadhana. Here, vaidya is the karta, even with a good karta, and while chikitsa is the tool, and dhatu samyam is the purpose. Finally, the purpose is dhatu samyam, bring the dhatus into the balance. Even with a good karta, without the tool, the purpose cannot be achieved. Tool not only the channel for achieving the target, but also evolves the karta, that is the vaidya, by fine-tuning his professional skills. This is rather important. And yatha kharaschandana bharavahi bharasya veta natu chandanasya, we know that he who learns by heart the entire, evam hi shastrani bahunyadhitya cha arteshu mudaha kharadvahanti. He who learns by heart the entire shastra, but without imbibing the inner meaning, is as good as like a donkey or an ass which is carrying a load of sandalwood, yet unaware of the fragrance of sandalwood and the value of the chandana. यस्तु केवल शास्त्रज्ञः कर्मस्वपरिनिष्ठितः समुष्यत्यात्तरं प्राप्य प्राप्य भीरुरीवाहम्. ही हू इज द थियोरिटिकल मास्टर ऑफ द शास्त्र येट इज इनकेबल ऑफ प्रैक्टिसिंग इट गेट्स डिसोरियंटेड इन फियर ऑन सीइंग ए पेशेंट. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस शास्त्र बाय हार्टिंग देन जस्ट एज ए कवर्ड डज इन ए वॉर विथ ऑल दिस. द पर्पस ऑफ साधनम इज टू गेन दट एक्सपर्टीज टू मेक ए इंडिविजुअल कॉन्फिडेंट इन प्रैक्टिसिंग आयुर्वेद. And for whom is this sadhana? Who can anybody and everybody learn it? No. Tool, no doubt, is inevitable for the karta to achieve his purpose. So also the tool has no worth without its karta. Worth and value of the tool depends on the karta. Just like kachaha kanchanam ashrityaha dhatte marakatim jutim. Even the glass gains the luster of emerald when it is put and when it is held by the gold. Unless it is done, so the gold, the stone will not have this value. That is, it became important to the adhikari, that is the eligibility for the sadhana. At the outset, it may appear that all those who want to achieve this purpose of dhatu samyata are eligible for sadhanam. However, that is not true. पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः न पापफलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः. People desire the benefits of good deeds, but they don't want to do any good. So the results, and people want to do bad things and want to have the good fortune for them. The specific eligibility needs to be appreciated. In Ayurveda it is said by Charaka, shastram shastrani sailam gunadosha pravruttaye patra prekshinyatah pragnam chikitsartham visho. Patra that holds them. So let's effortfully keep the patra pure. So sambandha vishleshanam, this is the last one. How can this sadhanam benefit in this little span of time, this 10 days time, is the question.
इट इज सेड बाय सुश्रुता, शुचिर गुरुरपो दक्षः तंद्रा निद्रा विवर्जितः पठन नेतेन विधिना शिष्यः शास्त्रांतरमाप्नुयात्। विथ प्यूरिटी कमिटमेंट एंड कॉन्स्टेंसी ऑफ एफर्ट, विथ प्यूरिटी कमिटमेंट एंड कॉन्स्टेंसी ऑफ एफर्ट इन द लाइन्स शोन बाय द गुरु एज द एफिशिएंट वैद्य कंटिन्यूज टू स्टडी ही रीचेस द इनर मोस्ट रेल्म्स ऑफ द इनर ट्रूथ्स ऑफ शास्त्र। This implies that the process of learning through study is a continuous process, not one day or two days, pervading through infinite time and space. However, presently, we see the method of study and the method of teaching practice generally today are contaminated and taking the students nowhere. Even mere study of Harsha Granthas are many a time bypassed. The requisite linguistic wisdom, that is Sanskrit, and commitment to dive deep into the realms of Harsha Granthas are seldom seen today. What's more, some even nurture the doubts of its authenticity. Thus, this sadhanam is a tiny step in demonstrating or illustrating the proper method of study of the Harsha Granthas as an example. It is said, Anguli grahanena devadattopi gruhito bhavati, that is, holding the finger of Devadatta is as good as holding Devadatta himself. Sadhanam, when successful, will be accepted. Nevertheless, this effort of ours is not devoid of lacunae. There may be some lacunas. The noble ones may please correct it. As it is known, gachyatah skhalanam kvapi bhavatyeva na samsheha hasanti durjanastatra samadhadati sajjanaha. One undoubtedly stumbles at times or corrects him. Thank you very much for डॉक्टर वनिता कुमार प्राचार्य साईं आयुर्वेदिक कॉलेज चेन्नई से। मैं अनुरोध करूंगा कि संक्षिप्त में यहाँ पर आए छात्रों का ज्ञानवर्धन करें। आई वॉन्ट टू बी हम्बल इनफ टू स्टार्ट दैट आई एम हाईली हॉनर्ड टू एड्रेस बिफोर रेस्पेक्टेड महाराज स्वामी जी, माय प्रेसिडेंट डॉक्टर वेद प्रकाश त्यागी जी एंड अदर लर्नर्ड पीपल ऑन द डायस ऑफ द डायस एंड द बडिंग डॉक्टर्स। साधनम, the name itself reveals that this is going to be an instrument for sharpening your knowledge, shaping your ambition and boosting your confidence. This is due to the special interest of our president Dr. Ved Prakash Tyagi ji, who recently won the election with a great difference. He is a newly elected president of CCM, and the effort of Ayurveda Academy Bangalore, and of course with the blessings of the Swami ji. I should say this place hosted by them gives a positive vibration in learning and everything. The place has the vibration of positive nature. So Dr. J. Prakash Narayanan ji was quoting that even after 5.5 years study and 3 years of study, Ayurveda doctors feels inferior in practice. It is because the application of Ayurveda principles in diagnosing the disease is lacking with us. And I hope this Sadhanam 2012, which is going to emphasize on Samhitas, will give you that dedication and knowledge, because these Samhitas are your Hutchinson's clinical methods. This has to be taught in your bedside. So the Samhitas, you have to learn the patients. And it's understood that you people have taken a large effort and you have come out of the frame of syllabus based and exam based curriculum, and you want to sit in this 10 days residential course, and I wish this is going to be of very useful, and I appreciate your effort. Mostly the girls, I see more numbers this side, and I wish you all the best and great success in future. Abhi vartman mein CCIM के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री त्यागी जी से मैं अनुरोध करूंगा। परम पूज्य स्वामी जी, मंचासीन सभी विद्वजन,
साधनम में उपस्थित छात्र एवं छात्राओं और यहाँ पर उपस्थित महानुभाव अध्यापक महानुभाव, सर्वप्रथम मैं इस अवसर पर पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि आज उनके कारण, इस पातंजलि दिव्य योग पीठ के कारण आज हमारे अंदर ये हौसला पैदा। इससे पूर्व हमने श्री श्री रविशंकर जी आश्रम के स्वामी जी के तत्वावधान में किया, उस समय 40 विद्यार्थी थे, दोबारा किया 50 विद्यार्थी थे, तीसरी बार किया तब भी उतने विद्यार्थी थे। मैंने जयप्रकाश जी से एकेडमी के सभी महापुरुषों से निवेदन किया कि 5000 विद्यार्थी हमारे यहां से निकलते हैं, तो यदि हम 40 विद्यार्थियों को या 50 विद्यार्थियों को ही साधनम की प्रैक्टिस देंगे तब ये कार्य संभव नहीं होगा। अभी मैंने पूज्य स्वामी जी से ये अनुरोध किया था कि अभी परिषद की ओर से हम ये साधनम जो प्रोग्राम हुआ है इसको हम भारतीय चिकित्सा परिषद की ओर से स्वीकार कर लेते हैं और पूज्य स्वामी जी से अनुरोध करते हैं कि प्रति माह हमारा जो साधनम प्रोग्राम है वो आपके नेतृत्व में 250 विद्यार्थियों के साथ अनवरत चलता रहे, जिसका जो खर्चा है, जिसका जो एक्सपेंडिचर है वो भी परिषद करेगी। पूज्य स्वामी जी ने इसकी स्वीकृति दे दी है, रहने और खाने की व्यवस्था इनकी ओर से होगी और हर साल हम 12 यदि महीने हैं 300 विद्यार्थी हम आते हैं तो 1200-3600 हमारे जो ग्रेजुएट हैं उनको हम तैयार कर सकेंगे ऐसा। और इससे एक फायदा और होने वाला पूज्य स्वामी जी, हम सभी महाविद्यालयों में इसकी एक परीक्षा आयोजित करेंगे। परीक्षा आयोजित करने के माध्यम से जो छात्र उस परीक्षा को पास करेंगे उस छात्रों को ही यहाँ पर उसको उस अध्ययन की अनुमति मिलेगी। उसके दो फायदे होंगे, एक विद्यार्थी उस इस कोर्स के लिए तैयारी करेगा कि मुझे वहां पातंजलि योगपीठ में जाना है और पातंजलि योगपीठ का इतना बड़ा स्थान है, आज मैं तो यहीं पास में रहने वाला हूं, स्वामी जी से 2 बार पहले भी मिला हूं और मैं आर्य समाजी विचारधारा का भी हूं, दूसरी बात ये भी है। और मैं हमेशा इनके प्रति जब ओम यहां से सुनता हूं, एक ओम की बात, मंत्र की बात होती है, आज पूरे विश्व में ओम की बात हो रही है, जब ओम की बात होती है तो मुझे लगता है कम से कम वेदों का यदि कहीं ज्ञान है तो पातंजलि योगपीठ में भी इस ज्ञान की ज्वाला अभी चल रही है। और आपने पूज्य स्वामी जी, 5 तारीख को मैं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, उसके बाद 8 लोगों को पूरे देश के विद्वानों को आमंत्रित कर अंडर ग्रेजुएट के सिलेबस के लिए हमने एक एक साल का किया, उसको क्लब अप किया। उसके बाद 18-19 तारीख को हमने पोस्ट ग्रेजुएट के सिलेबस के लिए 70 विद्वानों को बुलाया और उस सिलेबस को हमने क्लब अप किया। वो सिलेबस हमारी साइड पे हमने डाल दिया। 240 कॉलेजों को हमने सूचना दी है कि आप इस सिलेबस में कुछ सुधार चाहते हैं तो आप हमको फीडबैक दे दें। फीडबैक हमको 18 तारीख तक देना है। 18, 19, 20 को हमारी वर्कशॉप है जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पर 150 स्कॉलर और 40 पीएचडी के वहां छात्र अध्ययनरत हैं। 250 विद्वानों को हमने पूरे हिंदुस्तान से आमंत्रित किया है कि वहां पर आए और 3 दिन 18, 19, 20 को ये सिलेबस का जो है नवीनीकरण हो जाएगा और जो आयुर्वेद की दिशा में ले जाएगा। इससे पूर्व जो सिलेबस था उस समय जो लोग आते थे उनके द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन इस बार मेरे अध्यक्ष बनने के बाद 7 वाइस चांसलर डायस पर बैठे थे। मैंने ये कहा उत्तराखंड से मैं चुनाव लड़ा हूं, यदि आपको उत्तराखंड में विद्वान नजर आते हैं उन्हीं को बुलाओ, अन्यथा किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक
जहां भी कोई विद्वान है उसको आमंत्रित कर इस सिलेबस को, और बिना किसी उसके इन विद्वानों को जो सिलेबस तैयार करें वो करने दो, और 25 तारीख तक हम नया सिलेबस इस देश में लागू कर देंगे। दूसरा, स्वामी जी हमने 16 तरह के डिप्लोमे डिजाइन किए हैं, उनमें सुमति भाई आयुर्वेद महाविद्यालय हड़पसर और भारतीय विद्यापीठ पुणे में उनमें इस बार एडमिशन प्रारंभ हो गया है, और अगले साल से जो 97 हमारे पोस्ट ग्रेजुएट के कॉलेज है उसमें भी डिप्लोमा चालू हो जाएगा। भविष्य के अंदर जो हमारा छात्र पास होगा उसके वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा, या तो उसको डिप्लोमा के बाद एडमिशन मिल जाएगा या डिग्री में एडमिशन मिल जाएगा, वो एक स्पेशलिस्ट चिकित्सक होकर इन भविष्य में तैयार होगा। केवल एकमात्र BMS के आधार पर वो समाज के बीच चिकित्सा करने नहीं जाएगा, या तो उसके हाथ में एक डिग्री होगी या उसके पास एक डिप्लोमा होगा और वो एक स्पेशलिस्ट फिजिशियन होगा अपनी लाइन का। दूसरा, हमारे जो परीक्षा का भी हमने पैटर्न बदल दिया है, एक एक साल का कर दिया है। 1.5 साल का होता था, छात्र 2-2 महीने छुट्टी चले जाते थे, उस 1 साल का जो सिलेबस अभी आ जाएगा वो भी तैयार हो गया है। और मैं निर्वाचित होने के बाद जब हरिद्वार में आया तो हरिद्वार में मुझे कहा आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मुझे बुलाया है आशीर्वाद देने के लिए, उनके पास गया, उनका आशीर्वाद लिया। फिर मैं बेंगलोर गया तो पूज्य रविशंकर जी आए हुए थे, जयप्रकाश जी साथ थे, रविशंकर जी के वहां गया, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद आदि चुनचुनगिरी स्वामी जी जो 3 दिन डायलिसिस पे, हर तीसरे दिन उनका डायलिसिस होता है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वेद प्रकाश त्यागी का जो समारोह है इसमें मैं उपस्थित रहूंगा, और वो 1 घंटा वहां मंच पर बैठे रहे। और मैंने कहा सर आपकी तबीयत खराब है, आप जाइए। नहीं, आप पहले पूरा बोलेंगे उसके बाद जाऊंगा। उसके बाद पुथूर स्वामी जी, जैसे स्वामी जी जिनके 270 इंस्टीट्यूशन है उनके पास गया, और अंत में कल शाम को मैं वीरेंद्र हेगड़े जी, धर्माधिकारी हेगड़े जी के पास गया, और चूंकि अंत में सबसे जो मुझे आशीर्वाद चाहिए वो मेरे पातंजलि योगपीठ के गुरु स्वामी रामदेव जी के, और अंत में मैं इनकी शरण में आया हूँ यहाँ, और आज इनको ब्लेसिंग, मुझे इनका आशीर्वाद है, पहले भी है। और आयुर्वेद आज जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, आयुर्वेद को जो बढ़ाने में, आयुर्वेद को जो आगे ले जाने में, आयुर्वेद की परंपरा को जीवित करने में, यदि आयुर्वेद के धनवंतरी कहा जाए इन्हें तो कम नहीं होगा। मैं आप सभी को, सभी अपने स्थान पर खड़ा हो जाइए और स्वामी जी के सम्मान में एक बार क्लैपिंग करें। एवरीबॉडी स्टैंड ऑन द डायस, एवरीबॉडी एंड क्लैपिंग फॉर द गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्वामी जी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय भारत।